फ्रेंड्स, क्या आपको अपनी बॉडी बनानी है? क्या आपको अपने सिक्स पैक एब्स बाहर निकालने हैं? अच्छी बॉडी किसको अच्छी नहीं लगती? जी हाँ, अच्छी बॉडी सभी को अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है। ज़्यादातर लोग अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं। तो ये आज की वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस पौष्टिक आहार को लेने से 1 महीने में ही बन जाएगी शरीर आपके की लिए तगड़ी बहुत सिक्स पैक फायदेमंद एब्स साबित वाली होती है। बॉडी। इस आटे के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर को बहुत ज़्यादा पोषण प्रदान करते हैं और शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। यदि इस आटे का सेवन आप 1 महीने तक करिएगा तो आप खुद फर्क महसूस करिएगा कि 1 महीने ही आपके सिक्स पैक्स एब्स निकल गए हैं और आपकी मजबूत बॉडी बन इस गई आटे है। के अंदर पौष्टिकता कूट कूट कर भरी हुई है। यदि इस आटे की रोटी को आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो शरीर से बीमारियां कोसों दूर भाग जाती है और शरीर फौलाद जैसा मजबूत बन जाता है। ये दोस्तों, आटा सेहत के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है। जी हाँ, ये आटा और कोई नहीं, हम सबकी किचन में पाया जाने वाला जाना पहचाना, हम सबको टेस्टी लगने वाला, हम सबका प्यारा बाजरे का आटा। जी हाँ, बाजरे का आटा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। पहले भी घरों में आपने देखा होगा, हमारी मम्मियाँ और दादियाँ घर में सर्दियों के, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में बाजरे के आटे की रोटी बनाया करती थी। बाजरे के आटे की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका गर्मी में सेवन कम किया जाता है। इसकी खिचड़ी भी बनाई जाती है। बाजरे के आटा खाने से और क्या क्या फायदे होते हैं, आइए जानते हैं। बाजरे के आटे की रोटी खाने से शरीर मजबूत बनता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, जिससे कि गैस, पेट फूलना, कब्ज जैसी समस्याएं दूर हो जाती है और भोजन अच्छे से पचता है तो शरीर को ज़्यादा लगता है। पेट ज़्यादा साफ होता है तो शरीर में हेल्दी रहता है, एनर्जी बनी रहती है। बाजरे के आटे में विटामिन B3, B6, आयरन, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही बात खत्म नहीं होती है दोस्तों, इसमें आयरन, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग तरीके से फायदा करते हैं। शरीर की मसल्स को मेंटेन करते हैं, शरीर को मजबूत बनाते हैं, शरीर में ताकत दाते हैं और फौलाद जैसा बनाते हैं शरीर को। आप बाजरे के आटे की रोटी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसमें खास सावधानी आप ये बरतें कि यदि गर्मियों में आपको गर्म बॉडी हो जाती है, गर्मी रहती है, तो बाजरे के आटे का प्रयोग आप गर्मियों में ना करें, या फिर उसको यूज़ करके देखें। यदि आपको नुकसान हो रहा है तो उसको यूज़ ना करें। सर्दियों में आप इसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। बाजरे के आटे का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। बाजरे के आटे की हम रोटी बना सकते हैं, इसको हम पराठे बना सकते हैं। देसी घी के पराठे साग के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बाजरे के आटे का चूरमा भी बनाया जाता है, बाजरे की आटे की खिचड़ी भी बनाई जाती है। तो बाजरे को हम विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे आपका टेस्ट। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब बहुत जल्दी सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो ज़रूर से इस सीज़न में शामिल कीजिए बाजरे के आटे की रोटी, चूरमा या फिर पराठों को, और 1 महीने में अपनी सेहत को बनाइए तंदुरुस्त, तगड़ा और सिक्स पैक्स एब वाली बॉडी बनाइए। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मने रहिए ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक वीडियो देखने के लिए फेम प्रिया चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड फेम प्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।